जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले एहतियात के तौर पर बंद किए गए श्रीनगर के 190 से ज्यादा स्कूल्स और दफ्तर 14 दिनों के बाद सोमवार को खुल गए। जम्मू कश्मीर में किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए सेना समेत सुरक्षा बल 24 घंटे तक मोर्चे पर तैनात। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हथियार जब्त किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन यह अफवाह गलत है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण से उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। यहां 8 जिलों में त्राही त्राही मची हुई है। कई जगह बादल फट जाने की वजह से कोहराम मचा हुआ है तो कई जगह भूस्खलन से पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, लामबगड़, बागेश्वर, चमोली, टिहरी में हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को भी तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया है। उत्तराखंड के मोरी क्षेत्र में हुई भारी बारिश और बादल फट जाने से ग्रामीणों के मलबे में दबे होने की सूचना आ रही है और इस पर एसडीआरएफ की टीम बड़कोट से रवाना हुई है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम बड़कोट से प्रभावित इलाकों आराकोट में पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम के मोरी तक पहुंचने की सूचना है। रास्ता ज्यादा टूटे होने की वजह से टीम को प्रभावित गांव में पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मोरी क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। आराकोट पहुंची एसडीआरएफ टीम ने बचाव अभियान का काम शुरू कर दिया है और एक घायल को सनील से आराकोट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 3 तलाक को हटाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं और उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक के पीछे तुष्टिकरण की राजनीति विकास के आड़े आई है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5.5 साल में अपने कार्यकाल के अंदर 25 साल से ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश की दिशा बदलने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना 50% मुस्लिम माताओं बहनों को झेलनी पड़ती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बिल हम लेकर नहीं आते तो ये दुनिया के सामने भार के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धब्बा होता। भूटान के थिम्पू में मोदी ने बताया कि भूटान अपने छोटे उपग्रह को डिजाइन करने और लॉन्च करने के लिए युवा भूटानी वैज्ञानिक भारत की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भूटान के वैज्ञानिक भी सैटेलाइट बनाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने दक्षिण एशिया उपग्रह के थिम्पू ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया तो अपने अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार भी किया। मोदी ने कहा कि उपग्रहों के जरिए टेली मेडिसिन के लाभ, दूरस्थ शिक्षा, मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मोदी ने कहा कि भारत कई सेक्टर्स में ऐतिहासिक परिवर्तनों का गवाह बन चुका है और वहीं उन्होंने पिछले 5 सालों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार 2 गुनी हो गई है ये कहा। पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि वो परीक्षा को लेकर कतई तनाव ना लें। पीएम मोदी ने अपनी लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की भी चर्चा की। नारनौंद हलके में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सैकड़ों परिवारों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है तो वहीं ऊर्जा परिवार पर बरसते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बाप बेटे दोनों ही चुनाव हार गए हैं और अपनी राजनीतिक जमीन सकती हुई देख कांग्रेस पार्टी को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हुड्डा को चला हुआ कारतूस बता दिया और कहा कि इसे चले हुए कारतूस को दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नारनौंद हलके के कई गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लोगों को तय करना होगा कि उनका प्रतिनिधि कैसा हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महापरिवर्तन रैली कर कांग्रेस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले वाली नहीं रही और अब भटक गई है। प्रदेश सरकार को घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान तबाही की ओर और बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस से अलग होने का साफ संकेत देते हुए हुड्डा ने कहा कि खुद को अतीत से मुक्त करते हैं। इसके साथ ही कहा कि कमेटी का गठन किया जाएगा।
यमुनानगर में तेज बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें कि बारिश के अलर्ट के चलते हथनी कुंड बैराज से 7,07,466 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गए पानी एक दिन बाद दिल्ली में पहुंचने की संभावना जताई गई है, तो वहीं लगातार बढ़ते जलस्तर को देखकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। यमुनानगर के डीसी आलाधिकारी की बैठक हुई और साथ ही अधिकारियों को हर स्थिति से निपटने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा पंचकुला पहुंची और इस दौरान पंचकुला के माजरी चौक पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार और पंचकुला विधायक ज्ञान चंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। संत गुरु रविदास का सालों पुराना मंदिर ध्वस्त करने के बाद से दलित समाज का आक्रोश है, समाज में आक्रोश है, वहीं इसको लेकर देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दलित समाज की ओर से धरना प्रदर्शन का विरोध किया जा रहा है। रेवाड़ी में दलित समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जुलूस निकालकर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने इस समाज को पहले ही दो हिस्सों में बांट दिया है, जिसके बाद से अब दलित समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। साढ़ारों में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाजार गलियां सब पानी पानी हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर मनोहर सरकार ने लोगों से वोटों की अपील करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। मनोहर लाल की ओर से चलाई गई जन रथ यात्रा हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का दौरा करेगी और इसी के चलते यात्रा 28 अगस्त को वल्लभगढ़ विधानसभा पहुंचेगी। बता दें कि वल्लभगढ़ में यात्रा का 22 जगह पर स्वागत किया जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। हरियाणा में पिछले 4 सालों से लिंगानुपात पहले नंबर पर रहा है, लेकिन अब जिले का लिंगानुपात लगातार गिरता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूचर का कहना है कि पंजाब और राजस्थान में सख्ती ना होने के कारण लोग लिंग जांच करवा रहे हैं। गुरुग्राम के मानेसर में ग्रामीण 15 अगस्त से अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मानेसर गांव में महिला कॉलेज का जल्द निर्माण किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2014 में मुख्यमंत्री ने महिला कॉलेज बनवाने का वादा किया था, जिस पर पंचायत ने भी जमीन देने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। फतेहाबाद की एक कॉलोनी में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर ईंटों से हमला किया और बचाव के लिए घर में मौजूद युवक ने बदमाशों पर पलट कर फायरिंग की, जिसके बाद से बदमाश मौके से फरार हुए। करनाल के पानीपत जेल में बंद शिवा गांव के निवासी कैदी की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक सुमित ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सिरमौर जिले के नाहन में डोंगा ढहने से खाई में एक ट्रक जा गिरा। आपको बता दें कि इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बता दें कि क्षेत्र में अब तक 3 गाड़ियां बह चुकी हैं। हमीरपुर में तेज बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बारिश के कारण 10 मकान भी गिर गए हैं। श्री नैना देवी शक्तिपीठ में तेज बरसात और भूस्खलन के चलते सभी रास्ते बंद किए गए, जिससे शक्तिपीठ का संपर्क अन्य राज्यों से कट गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रास्ते को खोलने के प्रयास किए गए। पांवटा साहिब की शिलाई में तेज बारिश से 5 घर बह गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ट्यों के पंचायत क्यारटू में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि नाले का जलस्तर बढ़ जाने से नेपाल के 4 लोग खड्ड में बह गए और थोड़ी ही दूर जाने पर 2 शख्स किनारे पर निकल गए, लेकिन 2 महिलाएं पानी के बहाव में बह गई। श्री अनंतपुर साहिब में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल्स में पानी भर गया। वहीं भंगाला बस्ती में भी पानी भर जाने से वहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आनंदपुर साहिब में बारिश के चलते वहां रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भंगाला बस्ती में भी पानी भरने से कई लोग पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला गया। फिरोजपुर के शहीद उधम सिंह चौक पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में एक बच्चे समेत एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मलौट के रहने वाले एक 28 साल के युवक ने अपने ससुराल से दुखी होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। श्यापुर के गांव लहल में रहने वाला एक बुजुर्ग पिछले एक महीने से अपनी नाबालिग बेटी के बेटी को ढूंढने में लगा हुआ है। पुलिस को शिकायत देने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते बुजुर्ग ने डीजीपी से लेकर जिला पुलिस और क्षेत्र के विधायक तक को शिकायत पत्र दिया है। श्रीआनंदपुर साहिब नंगल और रोपड़ को जोड़ने वाले सभी रेल मार्गो पर बाढ़ के चलते भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से हिमाचल की तरफ से चलने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया। अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में वातावरण को हरा भरा और शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गांव महराज में धूमधाम से तीज का त्यौहार मनाया गया और इस कार्यक्रम में लड़कियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी कला को प्रस्तुत किया। पठानकोट के थाना तारागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तारागढ़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के दो सदस्यों को एक चोरी की स्विफ्ट कार और 5,50,000 रुपए समेत कब किया। मुक्तसर के हल्का लंबी में एक गांव मोहल्ला की रहने वाली महिला 32 साल की विवाहिता ने अपने ससुराल के लोगों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मृतका के परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को तंग और मारा पीटा जाता रहा है। होशियारपुर में बारिश के बाद से कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं बारिश के बाद से नदियां उफान पर, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं बारिश के बाद से चब्बे वाल से पट्टी जाने वाली छोटी नदी में अफगानिस्तान की राजस्थानी काबुल में एक शादी समारोह में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें करीब 63 लोगों की मौत हो गई जबकि 182 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके की किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। आपको बता दें कि 10 दिन पहले भी काबुल में बम धमाका हुआ था, जिसमें 95 लोग घायल हो गए थे। चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतक की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 297 रन बनाए। टॉस जीत का पहले बल्लेबाजी करते हुए पुजारा ने 187 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं रोहित शर्मा ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत के लिए लोकेश राहुल ने 36, ऋषभ पंत ने 33 रन बनाए, तो वहीं हनुमा विहारी 37 और रविंद्र जडेजा 1 रन पर नाबाद रहे। दीपा मलिक खेल रत्न हासिल करने वाली पहली महिला पैरा एथलीट बन गई। भारतीय सरकार ने दीपा को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड देने का फैसला किया। दीपा ने रियो पैरालंपिक 2016 में शॉटपुट में रजत पदक हासिल किया और वहीं इसके अलावा वो एशियाई खेलों में भाला फेंक और शॉटपुट में कांस्य जीत। दीपा सर्वोच्च खेल सम्मान पाने वाली देश की दूसरी पैरा एथलीट हैं और इससे पहले भारत के एक एथलीट देवेंद्र झाझारिया को 2017 में इस सम्मान से नवाजा गया था। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद स्टीव स्मिथ के कान के नीचे गर्दन पर लग गई, जिसके बाद स्मिथ ग्राउंड पर ही गिर गए। बता दें कि मैदान पर गिरने के बाद से स्टीव स्मिथ रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए। स्मिथ को जब गेंद लगी तब वो 152 गेंदों पर 80 रन बना चुके थे। स्मिथ को जैसे ही गेंद लगी इंग्लैंड के कुछ और खिलाड़ी उनके पास आकर खड़े हो गए। फिजियो ने मैदान पर स्मिथ को देखा और फिर उन्हें बाहर ले गए। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर रही है। बता दें कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही है और मिशन मंगल ने तीसरे दिन कमाई के सभी अनुमानित आंकड़ों को पछाड़ दिया है। बता दें कि अक्षय कुमार की मूवी ने 23.58 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की।
साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म साहू इन दिनों पूरे देश में चर्चित है। आपको बता दें कि फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर साहू के निर्माता 2.5 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में 18 अगस्त को साहू का प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया और इस इवेंट में फिल्म में इस्तेमाल की गई गाड़ियां और मशीनों को डिस्प्ले किया गया। साहू फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इसके एक फाइट सीक्वेंस में 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिल्म में प्रभास जबल एजेंट के किरदार प्ले कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।